हमने अभी तक IITs के स्टूडेंट और साइंटिस्ट के थ्रू किए गए डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में सुना है और उसके साथ साथ इंडिया के स्टूडेंट के थ्रू बनाई गई सबसे लाइटेस्ट सैटेलाइट के बारे में भी सुना है। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HBTU कानपुर के एलुमिनाई की, जिसने मैथमेटिक्स में एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की है और उसके बाद उन्हें बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन भी आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और HBTU कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग के एलुमिनाय जिसका नाम हरिओम गुप्ता है, उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया है जो कि इंटरनेशनली रैंक किया गया है। उनकी रिसर्च के टाइम पर उन्होंने मैथमेटिक्स से दो नए फॉर्मूले डिस्कवर किए हैं जो कि बिगर कैलकुलेशन को एक्सट्रीमली ईजी बनाते हैं और उनका फॉर्मूला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंजीनियरिंग में एक्सेप्ट किया गया है। हम इस वीडियो में बात करेंगे उस फॉर्मूले के बारे में, किस यूनिवर्सिटी ने हरिओम को इन्वाइट किया है और अगर आपकी कुछ रिसर्च है तो आप उसको कैसे अप्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाननी है तो, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। हरिओम को उनके इस फॉर्मूले को मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट के सामने प्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज ने अप्रोच किया, इंक्लूडिंग ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी दुबई, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन आयरलैंड एंड मैनी मोर। अगर हरिओम गुप्ता की हिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने 2017 में HBTU कानपुर से बीटेक कंप्लीट की थी और उसके बाद उनकी मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टर्बो और LNT में जॉब लग गई थी एक अच्छे पैकेज पे। बट उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने लगे मैथमेटिकल फॉर्मूले को इन्वेंट करने में और उसके साथ साथ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और IAS की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी। वो UP स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज UPSEE के टॉपर भी रह चुके हैं विद अ स्कोर ऑफ 99.2% इन द IIT JEE मेंस 2013 एग्जामिनेशन और उन्होंने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज गेट का एग्जाम भी 4 बार क्वालिफाई किया है। अब देखते हैं कि इस रिसर्च को कैसे अप्रूवल मिला और कैसे ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इतनी फेमस हो गई। हरिओम के अकॉर्डिंग उन्हें इस रिसर्च में 2 साल का टाइम लगा और उन्होंने सबसे पहले अपनी रिसर्च इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज को भेजी जहाँ से उन्हें अप्रूवल मिल गया और उसके बाद उनके रिसर्च पेपर जर्मनी बेस्ड पब्लिशर स्प्रिंगर ने पब्लिश किए और रिसेंटली उनके रिसर्च पेपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंजीनियरिंग में पब्लिकेशन के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करने से पहले हम हरिओम के फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो जब हरिओम 4 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी और उसके बाद उनके अंकल ने उन्हें सपोर्ट किया। ये बात हरिओम ने उनके सेकेंड रिसर्च पेपर के टाइम पर बोला। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पार्ट की, जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला फ्रैक्शंस के डिसोल्यूशन में काम आता है। अभी तक हम जो भी मेथड्स का यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल फ्रैक्शन को डिकम्पोज करने में उनमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बट हरिओम के इस फॉर्मूले से हम उन्हें इजीली सॉल्व और डिकम्पोज कर सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला है वो तो रिसर्च पेपर के रिलीज होने के बाद और मे बी पेटेंट के बाद ही हम लोगों के सामने आएगा, जिससे कोई भी रैंडम पर्सन उस फॉर्मूले को कॉपी ना कर सके। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक। तो अगर आपकी भी कुछ रिसर्च है तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं वैसे करके आप उसको अप्रूवल दिला सकते हैं और इस मैटर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछें और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।